यार आप सब लोग को, आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे? और अभी लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हो, घर में क्या क्या हो रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके घर में आपके मम्मी डैडी और मम्मी डैडी के मम्मी डैडी भी ठीक होंगे, यही दिल से दुआ करता हूँ यार। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस फ्रेश से ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो दोस्तों, 5 ऐसे बाइक जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों का कंपैरिजन का वीडियो है, आज हम इसी को रिएक्ट करेंगे। पिछली बार जब मैंने पाकिस्तान वर्सेस इंडियन बुलेट का रिएक्ट किया था ना, तो उसमें तो पाकिस्तान की फाड़ के रख ली थी यार। पाकिस्तान का पूरा पोल खोल दिया गया था, पाकिस्तान का तो पूरा बेइज्जती ही हो गया था, क्योंकि पाकिस्तानी बुलेट बेइज्जती खाने का लायक भी था यार। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना है यार, कितना हंसी आएगा पाकिस्तानी बुलेट को देखकर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आखिर है क्या देखते हैं, इंडिया में जो कौन कौन से बाइक बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं और पाकिस्तान में कौन से बाइक बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं, इस वीडियो को देखकर आज हम पूरे मजे लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए यार, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके यार। दोस्तों, मैं इंडिया से रिलेटेड डेली यार डेली कुछ ना कुछ रिएक्ट करता हुआ आता हूँ। अगर आपको इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन पसंद हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आप मुझे वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, भाई इस पर रिएक्ट दो कहकर, अगला रिएक्शन इस पर दो कहकर। उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके आपके मन में जो है वहाँ पर लिंक भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गवाए, वीडियो देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू जी टेक चैनल। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाए, मोर देन 1.5 महीना हो गया। बहुत मुश्किल से मतलब फेस कर रहा हूँ मैं माइक्रोफोन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे जो हमारी लिस्ट पे है, वो पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग बाइक है, जिसका नाम है होंडा CD70। इसमें लगा है 70cc का बड़ा इंजन, जो कंपनी क्लेम करती है नया बड़ा इंजन, खर्च घटाए माइलेज बढ़ाए, इसमें नहीं कोई शक। और इसकी जो डिजाइनिंग है वो काफी क्लासिक है, और कह लो कि आउटडेटेड है, बट स्टिल ये 21st century में पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग बाइक है। ये 1 लीटर में 70 किलोमीटर की एवरेज कंपनी क्लेम करती है, और ये होंडा का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बाइक उनकी पूरी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर यही है। वाह, क्या खूबसूरत मोटरसाइकिल है, चलने में और भी अच्छी है। 1 लीटर, एक भी बहुत है। 1 लीटर में 70 किलोमीटर, होंडा CD70। तरीके से चलाएं तो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा, होंडा CD70। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 में भी सेम डिजाइन है, बस थोड़ा इंजन बड़ा कर दिया है। इस नंबर पे भी होंडा ही है, होंडा CG125। ये बाइक भी उसी की तरह ही दिखती है, बट इसमें इंजन बड़ा है। ये मुश्किल से 100 तक पहुंच पाती है स्पीड में, और इसकी जो एवरेज है वो भी कम है। 1 लीटर में 43 ये कंपनी क्लेम करती है। और इस बाइक में जो फ्रंट में सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, और जो अभी हमने होंडा CD70 देखी थी, उसमें भी फ्रंट में लेग गार्ड नहीं है, सब कुछ ओपन छोड़ा हुआ है, बिल्कुल स्पेस छोड़ा हुआ है। मतलब सिक्योरिटी का कोई लेना देना ही नहीं है होंडा वालों को, जबकि होंडा एक जैपनीज कंपनी है, और लोगों को विश्वास है कि जैपनीज कंपनी हमेशा क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। बट पाकिस्तान में ये केस उल्टा है, वहां पे बेसिक फॉर्मेलिटी की चीजें भी नहीं दी गई है बाइक में। बेसिकली देयर इज नो सेल्फ स्टार्ट, देयर इज नो अलॉय व्हील्स, और मतलब कि सिंपल है, मतलब कि किक मारो और स्टार्ट करो और निकलो, और बाकी ऊपर वाले के भरोसे। थर्ड नंबर पे भी होंडा की ही बाइक है, होंडा 100cc की, जिसे अब राइडर बोला जाता है। पहले इसका नाम होंडा CD100 था, अब इसे राइडर भी बोला जाता है। इसमें 100cc का इंजन है, इसमें 4 गियर शिफ्ट हैं, सारे बैक होंगे, और दिस इज द थर्ड मोस्ट सेलिंग बाइक इन पाकिस्तान। इट हैज अ स्पीड लिमिट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी फ्यूल कंजप्शन और कह लो कि एवरेज है पर लीटर की, वो है 50 kmpl। Introducing the new Honda Prider. Show on air.
फोर्थ नंबर पे चाइनीज बाइक्स, जो बेसिकली सेम ही दिखती है होंडा सीडी 70 के जैसी। बेसिकली ये सारे पार्ट चाइना से असेंबल होके वहां की लोकल कंपनीज असेंबल करके इसे बेचती है। चाइनीज इसलिए क्योंकि इसके सारे पार्ट चाइना से आते हैं, और ये फोर्थ नंबर पे बहुत सारी कंपनियां, ग्रुप्स ऑफ कंपनी है जो एक जैसी शक्ल जैसी, एक जैसी डिजाइन की बाइक्स सेल करती हैं बाय द डिफरेंट नेम्स, क्राउन, रोड प्रिंस, पाकिस्तान कंपनी, बट वहां से एक्सपोर्ट करके ये इन्हें बेचती है। इसलिए ये सारी कंपनियां एक ही कैटेगरी में आती है फोर्थ नंबर पे। ये सब मिला के फोर्थ नंबर रैंक करती है बिकॉज ये सब चाइना से ही आता है, तो सारी चाइनीज बाइक्स वहां पे फोर्थ नंबर पे मोस्ट सेलिंग है, जो डिफरेंट नेम से सेम लुक में होंडा की कॉपी एक तरह से सेल करते हैं। करते हैं पाकिस्तान की मोस्ट अट्रैक्टिव और बेस्ट लुकिंग बाइक, जिसका नाम है यामा YBR 125। ये बाइक 125 सीसी की है और ये बाइक मैक्स स्पीड 130 तक अचीव कर लेती है, और इसकी एवरेज कंपनी क्लेम करती है अराउंड 60 किलोमीटर। एंड ये बाइक वहां की बेस्ट लुकिंग बाइक कह लो और यामा का बेस्ट प्रोडक्ट है, और बट इसकी प्राइस कुछ ओवर प्राइज्ड है, इसलिए वहां पे फिफ्थ नंबर पे है। इस बाइक की प्राइस जो है वो है 1,30,000 रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज। पूरे पांचों में इसी बाइक में सेल स्टार्ट है और बाकी प्राइडर वगैरह सब में किक स्टार्ट था। अब बात करते हैं इंडिया की टॉप 5 मोस्ट सेलिंग बाइक्स के बारे में। नंबर 1 पे इंडिया की शान कह लो या फिर सभी लोगों की पसंद कह लो, हीरो स्प्लेंडर प्लस। ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग बाइक है अभी तक की। इस बाइक में लगा है 97 सीसी का इंजन। इसमें सेफ्टी फ्रंट में लेग गार्ड है एंड साइड इंडिकेटर भी है स्प्लेंडर प्लस में, और इसमें सेल्फ स्टार्ट है, अलॉय व्हील्स है एंड किक भी है, और प्लस दिस इज द बेस्ट सेलिंग बाइक। एंड ये डिजाइन कभी भी पुराना नहीं हो सकता क्योंकि ये डिजाइन एक तरह से रेट्रो डिजाइन है। ये हो गया और एक अपना रॉयल एनफील्ड हो गई, और इसकी एवरेज 1 लीटर पे 81 जैसा वन टच पावर स्टार्ट APTV इंजन और अलॉय व्हील्स के साथ जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहें हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नंबर 2 पे है हीरो पैशन प्रो। ये दो वेरिएंट्स में आती है, एक एक्स प्रो में और पैशन प्रो। एक में लगा 97 सीसी का इंजन और एक में 110 सीसी का इंजन। दोनों ही सेम दिखती है, एक में इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन है, प्लस बेस्ट लुकिंग बाइक है इस सेगमेंट के अंदर, और ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग सेकेंड मोस्ट सेलिंग बाइक है। और इसकी जो 1 लीटर पे एवरेज है 84 किलोमीटर है। इसका जो वेट है बाइक का वो है 115 केजी का। इसमें अलॉय व्हील, सेल्फ स्टार्ट एंड डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर। थर्ड नंबर पे है होंडा सीबी शाइन। होंडा इंडिया में क्वालिटी और इंजन की बिल्ड क्वालिटी के जाना जाता है। होंडा की बाइक्स इंडिया में महंगी होती हैं बट इनके इंजन काफी ड्यूरेबल होते हैं। ये बाइक 65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज कंपनी क्लेम करती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 100, और ये बेस्ट बिल्ड बाइक है और काफी ट्रस्ट वर्दी बाइक बोल सकते हैं। ये इंडिया की टॉप 3 थर्ड बेस्ट सेलिंग बाइक है। फोर्थ नंबर पे है बजाज पल्सर 150, जिसने इंडिया की यूथ की सबसे फेवरेट बाइक कह सकते हो आप। ये इसने रेवोल्यूशन ले आए थे इंडियन मार्केट में, जो सुस्त पड़ी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री थी, बजाज ने इसे चेंज करके पल्सर उनका सबसे सक्सेसफुल वर्जन था, और आज भी ये मोस्ट सेलिंग फोर्थ नंबर की बाइक है। इसका नाम है बजाज पल्सर 150। इसमें DTSI ट्रिपल स्पार्क इंजन है, और इसकी एवरेज अप्रोक्सीमेटली 40-45 इजिली रोड पे गेट कर सकते हो KMPL, और इसमें लगा है डिजिटल मीटर। इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, और ये 3 वेरिएंट्स में आती है, 150, 180, 200 सीसी में भी बीच में आई थी और फिर बंद हो गई वो। अब 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं इसके सेम लुक के, 150 एंड 180, और आप इसकी टॉप स्पीड मान के चलो। फिफ्थ नंबर पे अब आते हैं हमारी बाइक, जिसका नाम है, जो इंडिया की सबसे पुरानी बाइक कह लो और इंडिया की शान कह लो, जो प्राइड, जो बेस्ट लुकिंग और सबसे बड़ा इंजन जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके इंजन ही स्टार्टिंग 350 सीसी से होते हैं। फिफ्थ नंबर पे है रॉयल इनफील्ड। यस, यू हर्ड इट राइट, द डुक डुक, द साउंड इज लाइक कि अगर आप इसके आसपास हो तो ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है 50 मीटर के अंदर अंदर। रॉयल इनफील्ड 350 सीसी। ये बाइक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है, ये बाइक क्रूजिंग के लिए बनी है, लद्दाख हो गया, हैवी रोड्स, इसमें टॉर्क ज्यादा है, आप इससे स्पीड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बाइक बिल्ड क्वालिटी में इसमें मतलब की हर चीज मतलब की मेटल की बनी है, इतनी भारी बाइक है मतलब की ये कि मतलब नॉर्मल बंदा इसे हैंडल नहीं कर सकता। अब इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल हैं, पहले नहीं होते थे तो हर कोई इसे चला नहीं सकता था। तो रॉयल इनफील्ड 350 सीसी का इसमें इंजन है और डिस्क ब्रेक ऑफर करते हैं, और क्लासिक इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है, और ये काफी बल्कि और बिग बाइक जैसी फील देती है। तो ये थी आज की टॉप 5 लिस्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।
तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो खत्म भी हो चुका है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आते हैं मेरे व्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को पाकिस्तानी मस्ट सेलिंग बाइक देखकर ना हंसी नहीं रुक रही होगी, मेरी भी ये दर्द कर रही है यार। वो बाइक देखकर मुझे ऐसा हंसी आ रहा था ना, कितने बेइज्जती कराओगे यार पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो पहले से ही वैसा ही पिछड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली अभी आके 21 सेंचुरी में आके पाकिस्तान कैसा बाइक यूज़ करता है, कैसा बाइक सेलिंग करता है, और उसका एडवर्टीजमेंट देखो, ऐसा लगता है कि आप बुलेट बेच रहे हो, ऐसा एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन बाइक है ना चूहे की तवड़ा दौड़ता है। तो ऑल ओवर पाकिस्तान की बाइक की बात करो तो उसको तो मुझे बाइक की बात ही नहीं करने का मन कर रहा है यार। वो बाइक है या क्या है, हमारे यहाँ नेपाल पर भी वैसा बाइक कोई भी नहीं चढ़ता। हाँ कुछ लोग जो बुढ़े लोग होते हैं ना, जो दादा दादी ऐसे लोग होते हैं ना, वो लोग वैसे बाइक चढ़ते हैं क्योंकि वो बाइक उनको सूट भी करते हैं। लेकिन यार अभी के लोग, आप और हम जैसे लोग और आपके पापा जैसे लोग वैसे बाइक यूज करते होंगे क्या, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पाकिस्तान में यार सभी बात 5 बाइक दिखाया गया, 5 ही बाइक में 4 बाइक में तो वो डायरेक्ट स्टार्ट करता है ना, उसका ऑप्शन भी नहीं है, और जो सेल्फ गार्ड होता है ना वो भी नहीं है, एक ही बाइक में है। तो आप सोच ही सकते हो यार, और इंडिया के 5 बाइक में जो मस्ट सेलिंग बाइक दिखाया गया है, 5 बाइक में जो ड्राइवर है ड्राइव करता है उन सभी का सेफ्टी का ख्याल भी रखा गया है, डिस्क ब्रेक भी दिया गया है, और अच्छे प्राइस में भी दिखाया गया है, और सबसे अच्छा तो आपने देख ही लिया रॉयल इनफाइंड। तो बुलेट की तो बात ही क्या करूँ यार, ऐसा लगता है ना उस पर सवारी करोगे ना तो धक धक जैसे वो जब स्टार्ट होगा ना तो आपको ऐसा आएगा कि शेर का आवाज़, शेर रोर कर रहा हो ऐसा लगेगा। तो दोस्तों ये किसी भी तरह से फियर ही नहीं था पाकिस्तानी बाइक और इंडियन बाइक को कंपेयर करना, क्योंकि इंडियन बाइक कहाँ आसमान की लेबर छू रहा है और पाकिस्तान कहाँ ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। पाकिस्तान का बाइक को बाइक मत कहो यार, चूहा कह लो, साइकिल कह लो तो बेटर होगा, क्योंकि इंजन देखो तो इंजन बहुत ही बड़ा कहते हैं और लगा देते हैं चूहे का वो जितना। तो आप समझ ही सकते हो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो दोस्तों मुझे इंडियन बाइक बहुत ही अच्छा लगा, सबसे अच्छा तो मुझे पल्सर लगता है, वो रॉयल इनफाइंड से भी अच्छा क्योंकि मेरा वो चॉइस है। आपको कौन सा इंडियन बाइक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप में से कोई लोग होंगे जो पाकिस्तान की बाइक पसंद करते हो वो लोग भी मुझे कमेंट करके बताना यार, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन लोग हो भाई आप लोग पाकिस्तानी बाइक को पसंद कर रहे हो, और कौन सा बाइक आपको इतना पसंद आया, और उसमें कौन सा खूबी देखकर आप पाकिस्तानी बाइक को अच्छा बोल रहे हो, ये मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और ऐसे ही प्यार देते रहना यार। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।